कई बार हुई रिजेक्ट, उधार लेकर मुंबई में गुजारी जिंदगी। इस फिल्म के हिट होने के बाद पलट गई कार्तिक आर्यन की लाइफ। इन दिनों हर तरफ कार्तिक आर्यन ही छाए हुए हैं। उनकी फिल्म चंदू चैंपियन इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब फिल्म की रिलीज से पहले कार्तिक आर्यन ने अपनी जिंदगी के संघर्षों पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि एक समय पर वह अपनी जिंदगी में बेहद बुरे दौर से गुजर रहे थे। कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की। फिल्म रिलीज होने के बाद यह बात देखने को मिलेगी। फिल्म के लिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन चौंकाने वाला है। चंदू चैंपियन के रिलीज होने से पहले कार्तिक आर्यन NDTV के साथ एक इंटरव्यू में बातचीत की और उन्होंने जिंदगी के संघर्षों और चुनौतियों पर खुलकर बात की। अपने सफर के बारे में पूछे जाने पर कार्तिक ने NDTV को बताया कि अपनी पहली फिल्म में मिलने से पहले उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। सोनू की टीटू की शूटिंग आने से पहले कार्तिक के लिए मुंबई में खुद को जमाए रखना बेहद कठिन था। उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और उन्हें अपना गुजारा करने के लिए दूसरों से उधार लेना पड़ता था। इस चुनौतीपूर्ण सफर के दौरान कार्तिक अक्सर उदास महसूस करते थे। कार्तिक ने आगे बताया कि वह फिल्में ना मिलने से परेशान रहते थे। कार्तिक जिंदगी के बहुत कठिन दौर से गुजर रहे थे, लेकिन सोनू की टीटू की शूटिंग रिलीज होने के बाद वह बड़ी हिट साबित हुई और फिर सब कुछ बदल गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके माता पिता उनके फाइनेंशियल कंडीशन को बनाए रखने में शामिल है, तो उन्होंने कहा, मेरे माता पिता मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को बनाए रखने में बिल्कुल शामिल है। इसके अलावा कार्तिक ने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया, जब मैं अवार्ड शो में जाता था तो मैं किसी से राइड लेता था। मैंने तय किया कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक कार खरीदूंगा। मैंने जो पहली कार खरीदी थी वह थर्ड हैंड थी, लेकिन अब मैं कार खरीदता रहता हूँ, लेकिन यह मेरे लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसी ही न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए वायर टॉक को सब्सक्राइब करें।